चलो बात करते हैं MBCET 2022 के बारे में। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो MBCET एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। मोर देन 1 लाख MBCET 21 में प्रॉब्लम हुई थी रिलेटेड टू द एग्ज़ाम पैटर्न, उसके ऊपर बहुत सारा बवाल भी हुआ। लेट्स होप कि CET सेल इस बार सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो MBCET 2022 एग्ज़ाम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लो पहले, फिर बाद में एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दूंगा और बाकी डिटेल्स। MBCET 2022 एग्ज़ाम देने के बाद आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, जिसमें एक कॉलेज टॉप 15 रैंक में डेफिनेटली आता है, नॉट टॉप 15, टॉप 10 पक्का, ठीक है। दैट इज़ जमनालाल बजाज या JBIMS। तो ये कॉलेज के लिए बहुत सारे स्टूडेंट CET एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद आता है सिडनम, देन वेलिंगकर, पुम्बा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इन द सेंस 15 to 20 कॉलेजेस है, जहाँ पे बॉटम से लेकर टॉप तक एवरेज सैलरी रेंज करेगी 5 लाख से 22 लाख तक, ठीक है। टॉप पे है JBIMS का। सो इसलिए ये एग्ज़ाम इतनी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे कॉलेजेस MBCET एग्ज़ाम एक्सेप्ट करते हैं टॉप 15 टॉप 20 के अलावा, या सो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस कि ये इतनी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम क्यों है, बिकॉज आपको इतने अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। जमनालाल बजाज की फ़ीस 6 लाख है, सिडनम की 1.5 लाख है, 1.5 लाख के आसपास, तो इतना कम आपको पे करना है और इतना अच्छा आउटपुट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम को टारगेट करोगे। क्या ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं MBCET? यस, दे कैन MBCET एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उनका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से होता है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ सीट्स असाइन किया जाता है, जहाँ से जो स्टूडेंट्स आउटसाइड महाराष्ट्र वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर और भी अलग अलग एग्ज़ाम्स एक्सेप्ट होती है, जैसे CMAT एंड CAT, ठीक है। एटमा मैट का एक्सेप्टेंस के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो बाद में पता चलेगा, अभी डिस्कशन करके कोई फ़ायदा है नहीं, करेक्ट। तो अभी नॉर्मली टाइमलाइन क्या होती है, जनवरी में नोटिफिकेशन आता है एंड मार्च में एग्ज़ाम होती है, बट लास्ट 2 ईयर्स से ये पूरी टाइमलाइन हिल गई है क्योंकि कोविड बहुत पीक पे था एंड लेट्स सी कि इस बार टाइमलाइन क्या होने वाली है, ठीक है। तो ये साइड में रखते हैं टाइमलाइन का, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रिपरेशन ही नहीं किया तो फिर वो टाइमलाइन से कुछ मतलब नहीं है। तो ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, इजी क्या है, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। कैट इतनी डेफिनेटली नहीं, यस एंड मैट स्नैप, बट द चैलेंज इसकी टाइम कम होता है, 2.5 घंटे में अगर आपको 200 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए एंड देन डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इशू होता है, प्लस एक्यूरेसी भी मैटर करती है, करेक्ट। 200 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, अलग लेवल का इक्वेशन होता है। 4 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग 75 मार्क्स के लिए, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें DI भी आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो 50 मार्क्स के लिए है। विजुअल रीजनिंग, ये एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ आपको CET एग्ज़ाम में ही मिलेगा, विजुअल रीजनिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। उसके बाद है VARC, ठीक है। विजुअल रीजनिंग इज फॉर 25 मार्क्स, देन VARC स्टैंडर्ड अपना वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। इस VARC में चेंज ये है कि कैट में RCS डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे उल्टा है, RCS उतना डोमिनेट नहीं करते, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। बात करते हैं प्रिपरेशन की, अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो 3 महीने आपके पास वैसे भी है, तो लेजिटिमेट टाइम है एंड आप प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छा परसेंटाइल निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, मैंने लास्ट ईयर वीडियोज़ बनाए थे, अभी वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जब तक स्कोर नहीं आता ये एडमिशन प्रोसेस जान के कुछ फ़ायदा है नहीं। वैसे वेबसाइट पे दिया है, mbcareer.com पे जाओगे तो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आपको बुक्स जाननी है तो उसका भी आर्टिकल है, अगर बुक्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियोस, फ्री नोट्स, स्टडी मटेरियल, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वो अवेलेबल है, या सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर लीजिए एंड एक बैकअप की तरह ट्रीट करिए आफ्टर कैट, सैट एंड मैट्स, आप जो भी एग्ज़ाम दी है, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स विल टारगेटेड डेफिनेटली फॉर गेटिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज या इन महाराष्ट्र इटसेल्फ, एंड आउटसाइड महाराष्ट्र विल टारगेट फॉर टॉप 15 टॉप 20 25 कॉलेजेस, या ओके। चलो, अगर आप MBA एस्पायरेंट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऑफर्स है ऑन द मॉक टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रोफाइल बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस, तो वो भी चेक कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना या फिर एटलीस्ट ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दोगे तो बाकी जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी मदद हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।